विदित है कि 20 नवंबर 2020 की रात्रि को थाना फतेहपुर सीकरी के चमा शाहपुर चौकी क्षेत्र में हाईवे के किनारे में एक डेड बॉडी पाई गई थी। जब उसकी पहचान की गई तो उसका नाम पता राकेश, जो कि नगला रमले गांव का रहने वाला है, थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ही पड़ता है, उसके रूप में उसकी पहचान की गई। परिवार वालों को सूचना दी गई, उसके बाद जो है मुकदमा पंजीकृत कर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में मर्डर का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी संबंध में आज जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें थाना फतेहपुर सीकरी में जो है कि पुलिस टीम ने एएसपी मृगांक शेखर पाठक के नेतृत्व में काफी अच्छा गुडवर्क किया है और 72 घंटे के अंतर में इस अज्ञात मर्डर का खुलासा किया है। इन दोनों अभियुक्तों से इनकी गिरफ्तारी के बाद में जब पूछताछ की गई और पता चला और अन्य टेक्निकल जानकारियां भी इकट्ठा की गई तो ये पाया गया कि जो मृतक है, मृतक उस दिन 4:30 के आसपास में खेड़ागढ़ से अपनी भतीजी की शादी की कार्ड को बांट के लौटा था और ये व्यक्ति इनके जो है काफी शराब के पैसे के पीछे में, जो कि काफी कम अमाउंट था, लगभग 100 रुपये के करीब में, इनकी लड़ाई झगड़ा 1 साल पहले हुआ था और उस समय से ये लोग रंजिश मान रहे थे इस चीज को। तो रामहंस जो है 100 रुपये के लिए उस समय इसने 1 साल से खुन्नस पाल रखा हुआ था और अपने मित्र ठकुरेंद्र पुत्र दीनदयाल, रामहंस वहीं नगला रमले का रहने वाला है, ठकुरेंद्र भी वहीं कराही आसपास बगल का ही गांव है कराही, वहां का रहने वाला है, दोनों थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों को जब पता चला कि मृतक वहां से खेड़ागढ़ से कार्ड बांट के लौटा है और इस बार इन लोगों ने उसको अप्रोच किया और उसको शराब पिलाने के बहाने उसको ले गए आइसोलेटेड जगह पे, वहां पे शराब पिलाई, उसके बाद गले में अंगूछा डाल के अंगूछा खींच के उसकी हत्या कर दी। इसी संबंध में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों लोगों को जेल भेजकर अग्निविधिक कार्रवाई की जाए।